हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक मॉस्किटो ट्रैपिंग डिवाइस बना के दिखाऊंगा और इस डिवाइस का यूज करके आप अपने घर के अंदर जो मच्छर या फिर किसी भी टाइप का इंसेक्ट्स होता है उसको आप खत्म कर सकते हो। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा इस टाइप का एक CPU कूलिंग फैन। ये आपको मिल जाएगा 50 या फिर 60 रुपए में और ये मैंने लिया है जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह रिपेयर होता है वहाँ से। इसके बाद आपको एक UV LED चाहिए होगा। मेरे पास फिलहाल UV LED नहीं है तो मैं इस टाइप का जो ब्लू कलर का LED होता है उसका यूज कर रहा हूँ। ये ब्लू कलर का लाइट एमिट करता है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो मच्छर और इंसेक्ट्स होते हैं वो ब्लू लाइट की ओर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो हम इसी का फायदा उठाने वाले हैं। इसके बाद आपको एक 1.8 किलो का रेजिस्टर चाहिए होगा क्वार्टर वाट में। इसके बाद मैं यहाँ पर एक 12 वोल्ट का एडाप्टर का यूज कर रहा हूँ जो 2.5 एम्प्स का करंट सप्लाई देता है और इसका यूज करेंगे हम ये जो फैन है इसको चलाने के लिए, क्योंकि ये 12 वोल्ट का DC फैन है। और इसके बाद यहाँ पर जो ब्लू लाइट का हम यूज़ करेंगे इसको भी हम पावर देंगे इस चार्जर से और रेजिस्टर का यूज़ करेंगे ये LED फ्यूज ना हो इसलिए। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने कुछ PVC पाइप्स लिया हुआ है और इसको मैंने कट करके गैस पे हीट किया और इस टाइप का मैंने शीट बना दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसका लेंथ 11.5 और इसका ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर भी मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल टाइप का एक ड्रॉ कर लिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको गोल गोल सा सर्कल दिख रहा होगा यहाँ पर मैं छेद करने वाला हूँ और मैं यहाँ पर ड्रिल मशीन से छेद करूंगा। और अगर आपके पास कोई ड्रिल मशीन नहीं है तो आप इस टाइप का जो हैंड ड्रिल आता है आप उसका भी यूज करके इसमें होल कर सकते हो। सिर्फ आपको ये जो बीट है इसको चेंज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे नेट भी लगाना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। आप देख सकते हैं मैंने ये मार्केट से लिया हुआ था, 10 रुपए का आपको मिल जाएगा 1 फीट स्क्वायर और आप इसका भी यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने यहाँ पर एक 9x9 सेंटीमीटर का एक पीस कट किया हुआ है और इसके बीच में मैंने एक सर्कल बना दिया है। और इसको कट करने के लिए मैं इस टाइप का जो छोटा सा हेक्स ब्लेड आता है उसका यूज किया है। आप भी इसका यूज करके इसको आसानी से कट कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस सर्कल का मेजरमेंट मैंने इस ये जो पल्स डिब्बे का ढक्कन है इसके शेप से लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसको मैंने जो डिब्बा होता है उससे कट किया हुआ है और ये जो थ्रेड है इस ये भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पर फेविक्विक से अच्छी तरीके से लगा दूंगा और फिर इस ढक्कन को हम ओपन कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। और इसका क्या काम है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको जल्दी से बना लेते हैं और मैं आपको शो करूंगा मैं किस टाइप से कहाँ पे क्या कनेक्ट कर रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से हम इसको बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा मच्छर पकड़ने का डिवाइस, आप देख सकते हो। इसको मैंने थोड़ा बहुत डिज़ाइन किया हुआ है अच्छा दिखने के लिए।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो स्क्रू आपको दिख रहा होगा, एक में है नेगेटिव और एक है इसका पॉजिटिव। आप यहाँ से भी इसको देख के अंदाजा लगा सकते हो कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक ब्लू कलर की LED यूज़ किया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे UV LED जो अल्ट्रा वायलेट LED होता है उसको यूज़ करना है, बहुत ही बढ़िया वर्क करेगा। और इसका जो लाइट है वो यहाँ पे आके गिरेगा ताकि ये और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक व्हाइट कलर का पेपर लगा दिया हुआ। तो फ्रेंड्स ये काम ऐसा करेगा, आपको यहाँ पे किसी भी 12 वोल्ट से सप्लाई देना है, चाहे ये ट्रांसफार्मर से दे रहे हो आप या फिर किसी भी सोलर पैनल से हो या फिर बैटरी से हो एडाप्टर से, कुछ भी आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई देना है। यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर है पॉजिटिव और यहाँ पर है नेगेटिव। और सप्लाई देने के बाद यहाँ पर ये जो ब्लू लाइट है ये ऑन हो जाएगा और ये फैन भी घूमता रहेगा। तो इस लाइट को देखकर मच्छर इसकी ओर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे और मच्छर यहाँ आएंगे और आते ये फैन इनको अंदर डाल देगा। डालने के बाद वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। आप देख सकते इसका छेद मैंने छोटा करके किया था कि मच्छर अंदर फंसा रहे। तो क्या करना है आपको, ये आपके टेबल के नीचे जहाँ पर आप स्टडी करते हो वहाँ पर रख देना है, या फिर आपके कंप्यूटर जहाँ पे आप कंप्यूटर चलाते हो बैठ के, या फिर सोने के टाइम आप बेड के नीचे भी इसको रख सकते हो। और आपको ये पूरा रात तक छोड़ देना है, ऑन करके रख देना है और सुबह होते ही आपको ये चेक करना है कितने सारे मच्छर इसमें फंसे। तो आपको सिंपली इसको ओपन करना है और देखना है कितने सारे मच्छर फंसे और आप इसको यहाँ से बाहर भी फेंक सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। मैं इसको अपने रूम पे रख दूंगा एक रात के लिए, मैं इसको छोड़ दूंगा ऑन करके और सुबह होते ही हम देखेंगे इसमें कितने सारे मच्छर फंसे। और मैं रात भर कैमरा को ऑन नहीं रख सकता, मैं सुबह डायरेक्ट ही कैमरा ऑन करके आपको दिखाने वाला हूँ।